आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ, वो भी हार्डकोर, या जिंदगी में पहली बार, बट ठीक है, हार्डकोर सरवाइव करने वाला हूँ सैंड की बायोम में। बस यहाँ पर यही एक बायोम है जहाँ पर ना तो मुझे मिलेगा वुड, ये ना मुझे मिलेगा पानी, मिलेगा तो सिर्फ लावा एंड गर्मी। बहुत ज्यादा इंटेंस सीन बन जाता है कि मैं कैसे यार यहाँ पर सक्सेस होता हूँ, कैसे यहाँ पर बचता हूँ। देखना इस वीडियो को एंड तक, स्किप मत करना, तुम सबसे रिक्वेस्ट रहा। तो चलो स्टार्ट करते अपना डे वन। ओके, तो यार डे वन में मैं यहाँ पर स्पॉन होता हूँ। मैं देखता हूँ यार बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर एंड फुल रेगिस्तान है, तो पता है यार क्या हालत होने वाला है। और सच्ची में बोलूं, हार्डकोर सीरीज में पहली बार खेल रहा हूँ। तो यार मैं आते यहाँ पर स्टिक्स वगैरह यार कलेक्ट करने लगता हूँ। सामने देखता हूँ भाई साहब एक विलेज है। गाइस मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो भाई मैं आगे बढ़ता रहा। ठीक है, तो यार आगे जाता रहा मैं, देखता हूँ यार सामने विलेज, और विलेज में आते कैक्टस ने मेरे को एक लात मारता है कि तू निकल यहाँ से। और देखता हूँ ये विलेजर बहुत ज्यादा खुश है। तो गाइस मैं यहाँ पर आते ही वही जो यार काम होता है टिपिकल, ये बेल उठाता हूँ, फिर मैं घर को लूटने आता हूँ। बस सिंपल सिंपल है, कुछ खास नहीं करता मैं। ठीक है, तो वीडियो छोड़ के मत चलो यार। तो यहाँ पर यार मैं बेड उठाता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल उठाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर एक्चुअली मुझे सिर्फ हैवेली मिलता है, काम का कुछ टूल नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर सोचो कि मुझे प्लैंक्स वगैरह कुछ टूल तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, नहीं मिलता। तो मैं आगे आता हूँ, मैं देखता हूँ फिर से गाइस एक और विलेज था सामने, तो मैं हैवेल उठाता हूँ फिर से यार, चेस्ट में आता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर मुझे जो लूट मिलता है तुम सोच नहीं सकते यार, पिकैक्स और एक चेस्ट प्लेट मिल जाता है। गाइस मेरा तो काम ही बन गया था, मतलब यही तो मेन चीज है एज ए डेजर्ट वायर में सर्वाइव करने के लिए। लिटरली भाई ये बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्प किया था सीरियसली। तो मैं पर उससे आ गया था, मेरे को एक और चीज मिलता है कि गाइस मुझे मिल जाता है एक रुइन पोर्टल। एंड उस रुइन पोर्टल से जितना भी सामान था उठाता हूँ, गोल्ड की ब्लॉक उठाता हूँ, गेम के स्टार्टिंग में गोल्ड की ब्लॉक, तुम अमीर ही देख रहे हो यार बंदे की। तो यहाँ से यार मैं उठाता हूँ, फिर से आता हूँ वही यार सेम काम करने है बिल, क्योंकि यार खाना चाहिए था हार्डकोर में, मुझे पता नहीं था क्या वगैरह करना पड़ता है। फिर गाइस मेरे पास ही पिकैक्स था, बाकी कुछ टूल्स नहीं था, तो मैं यहाँ पर स्टोन उठाता हूँ ताकि गाइस मैं बाकी का टूल्स भी बना पाऊँ। एंड फटाफट यहाँ पर इनका जो आयरन की जो वो होती है ना, इसका नाम मैं भूल गया, जो भी है, तो ये सब उठाता हूँ, सब मतलब इनको पूरा पूरा लूटता हूँ मैं, फुल चोरी करता हूँ। और ये विलेजर भाई देखोगे, ये देखो 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 मेरी तरफ देखो कैसे देख रहा है, मेरे को बोल रहा है कि भाई इतना चोरी मत कर। और ये जब भी बोला मेरे को और गुस्सा आया, अब मैं चोरी कर रहा था, भैंस की इनका मैं घर तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर यार इनका घर वगैरह थोड़ा सा तोड़ता हूँ ताकि मुझे कुछ ब्लॉक्स मिले। मैं सोचता हूँ ये जो अपना रुइन पोर्टल है यहाँ पर मैं अपना घर बनाऊँ, स्केलेटन के अच्छे से बैंड बजा दिया। तो यार अभी मैं खाना वगैरह खाता हूँ और मैं निकल पड़ता हूँ माइनिंग पे। तो मैं एकदम एकदम सीधा नीचे जाता हूँ कि मुझे कोई केव मिल जाए। तो भैंस के बेडरॉक कहाँ से आ गया भाई, व्हाट द हेक, मतलब लिटरली। फिर यार मैं फिर से यार मुझे ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं फिर से ऊपर आता हूँ। एंड फिर मैं आजू बाजू देखता हूँ, मुझे गाइस यहाँ पर अभी फाइनली मिलता है केव, तो मैं उस केव के अंदर जाता हूँ। एंड यहाँ पर अभी मुझे मिलता है आयरन, या ब्रो। एंड मैं थोड़ा डर डर के चल रहा हूँ क्योंकि हार्डकोर में, और हाँ मैं 1.17 खेल रहा हूँ देख ही सकते हो, तो क्योंकि हार्डकोर में यार फट रहा है लिटरली, तो मैं बहुत डर डर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोल उठाता हूँ और भाई साहब मॉब्स वॉब्स पता नहीं कहाँ कहाँ से वो अपनी बेसुरा यार आवाज मेरे को सुना रहा है। तो मैं यहाँ पर नीचे और जाता हूँ ताकि मेरे को डायमंड वगैरह आए, बहुत कुछ चाहिए ना, तो मैं ऐसे नीचे जाता हूँ और फटाक से गिर जाता हूँ, और मेरी फट के चार हो जाती है कि मैं कहाँ गिरा, मेरे बाजू में क्रिपर होगा नहीं था, जो कि लकीली था मैं। एंड फिर मैं कोल उठाता हूँ, कोल यार बहुत ज्यादा चाहिए था। मैं यहाँ पर फिर से आयरन मिलता, आयरन उठाता हूँ, फिर मैं गाइस बाहर आता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर बाहर आने के बाद यहाँ पर मैं सामने वो एक जगह था ना, मैं सोचता हूँ सुना था यहाँ पर कॉइन डालने से, मतलब नगेट गोल्ड की, तो यहाँ पर कुछ चीजें मिलता है। मैंने सोचा यार चलो भाई एक नगेट बनाया, मैंने इसके अंदर कॉइन डाला, लेकिन ये क्या था, मतलब लिटरली मैंने बोला यार मेरा कॉइन मेरे को वापस कर, मैं इसका फिर से यार गोल्ड ब्लॉक बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ गोल्ड ब्लॉक रहने दो, फिर से मैं विलेज को लूटने आता हूँ। एंड फिर गाइज यहाँ पर मैं लूटता हूँ क्योंकि मुझे चेस्ट चाहिए था, या अपनी औकात ये भी नहीं है कि चेस्ट उठा पाऊँ। मैंने इनका ब्लास्ट फर्नेस भी उठा लिया, फुल लूटता हूँ मैं, लिटरली फुल लूटता हूँ। एंड फिर चोरी वाला चेस्ट में मैं चीजें रखता हूँ, सामने देखते हो एक रिविन है, एंड उस रिविन के अंदर मैं कुछ भी बिना सोचे भैंस की टांग, इतना बड़ा नूब मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा जो कि मैं हूँ, मैं कूद जाता हूँ। ठीक है, कूदने के बाद यहाँ पर मैं कुछ देखता हूँ आयरन है, तो रॉ आयरन उठाता हूँ। एंड ये जो बेस्टल्ट करके कुछ ब्लॉक है इसको तोड़ता हूँ, नीचे जो व्हाइट कलर की पता नहीं इसका नाम क्या है, तो ये भी गाइस मैं लेता हूँ। नीचे देखता हूँ भाई वो जो एपिक वाला जो 1.17 का अपडेट था, वो टिंग टूंग टिंग टांग ऐसे करके साउंड करता है,
वो वाला गाइस एक्चुअली मुझे ब्लॉक मिल गया था एंड उस ब्लॉक को भाई मैं तोड़ता हूँ भाई। मुझे ये चाहिए था क्योंकि मैं जो घर बनाऊंगा एक्चुअली नहीं अभी नहीं बताऊंगा क्या बनाऊंगा, मैं बताऊंगा चिल करो ठीक। तो मैं ये सब करता हूँ, नीचे इसके नीचे कूदता एक ब्लॉक लगाता हूँ एकदम प्रो ने इसकी भाई एकदम हदे पर कर दी मैंने, ब्लॉक लगा था नीचे। तभी आता है भाई साहब एक वो जहरीला यार स्पाइडर और भाई साहब सीरियसली वो मेरा दिमाग खराब कर देता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। वो मेरे को इतना मारते वहाँ से जैसे तैसे करके मैं भाग आया और यहाँ पर आके मैं आयरन लिया और ऐसे ही मैंने एक बकेट बनाया पता नहीं क्यों मिट्टी या नहीं नहीं बनाया है डायमंड माइन पे भी लाभा वाभा आ जाता है ना तो बचने के लिए बनाया था और वाटर ट्रिक हाँ ठीक ठाक आ जाता है मेरे को तो या दैट्स व्हाई मैंने एक बकेट बनाया था। एंड फिर मैं जाता हूँ फिर से वही या वही रिविन में मैं जाता हूँ एंड वहाँ पर जिस पानी के ऊपर कूदा था वो एक बात होता ना जिस थाली में खाते उसी पे छेद, तो वो जो पानी था जहाँ पर मैं कूदा था वही पानी में निकल लेता हूँ ठीक है, वो पानी उठा लेता हूँ। एंड भाई साहब इसके बाद देखो यार मेरे साथ क्या होता है, फिर से यार वो स्पाइडर मेरे पास आया ना ऊपर से क्या धक्का दिया। अब भाई वो समझ नहीं रहा मैं सर्वाइवल पर नहीं हूँ भाई, मैं हार्ड कोर पर हूँ मतलब नॉर्मल पर नहीं हूँ। वो बंदा समझ नहीं रहा मैं क्या बताऊँ उसको, तो उसको मैं कान के नीचे दो रखता हूँ उसको मारता हूँ। एंड भाई साहब फिर तो मेरा हेल्थ तुम देख ही सकते हो, मैं यहाँ पर बच गई। इसके बाद एक और बार स्पाइडर आएगा तुम चिल करो, देखो तुम्हारे इंसेक्ट भाई के साथ क्या क्या होता है। तो यार ये सब होने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर एक मुझे माइनशॉट मिलता है तो मुझे प्लैंक्स चाहिए था गाइस, तो मैं यहाँ पर फटाफट यार जितने भी यार प्लैंक्स थे वो सब मैं उठा लेता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ आजू बाजू कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ। तभी भाई साहब फिर से यार वो स्पाइडर आता है और इस बार गाइस उसने मुझे पक्का, मैंने सोचा मेरा जो सीरीज था वो खत्म, मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। मेरा तुम हेल्थ देखो लिटरली एक हेल्थ पर आके रुक गया था, एक हार्ट पर तुम सोच सकते हो। फिर से गाइस एक स्पाइडर आया लेकिन इस बार मैं बच गया था यार, वो नीचे गिर गया। एंड फिर मैं शील्ड बनाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ शील्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पर मुझे एक्चुअली वो ऊपर नीचे चढ़ने के लिए माइनिंग पे ब्लॉक्स ये होता है ना, तो मैं यहाँ पर जो नेदर एक था वो जो रूइन पोर्टल वहाँ से लेता हूँ। एंड डे इलेवन आ जाता है यहाँ पर और फिर डे इलेवन पर फिर से आता हूँ माइनिंग करता हूँ क्योंकि गाइस अपने को चाहिए था आयरन। और मैं फिर केव में आता हूँ देखता हूँ भाई स्केलेटन मेरे को मारने की कोशिश उसकी चालू है लेकिन वो रहता है नाकामयाब क्योंकि मेरे पास तो शील्ड और आयरन की शॉट भाई साहब प्रो लेवल एकदम प्रो लेवल। तो यार इसके बाद यार आगे आता और मैं देखता हूँ यार ये जो 1.79 का केव है गाइस कितना ज़्यादा डरावना है, मेरा यार फट के चार हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यार फिर भी मैं आगे आता हूँ फिर से गाइस एक स्केलेटन को टाप 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 एकदम ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद भाई साहब फिर मैं आ गया तो देखता हूँ एक क्रीपर उसके बाद दूसरी क्रीपर उसके बाद एक जॉम्बी, तीनों को मारता हूँ। मतलब तीनों को मारने के बाद मुझे फिर अच्छा सा एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा आयरन था फोकट में, गोल्डन एप्पल था, रेल था, पावर ट्रेल था, कोल था, पता नहीं फलाना डैम का क्या कुछ था, जो था सब उठा लिया। फिर से आता है एक क्रीपर भाई साहब दिवाली मना के जा चुका था। तो उसके बाद यार मैं फिर माइन करता रहता हूँ और देखो यार कितने कितने न्यू यार ब्लॉक्स मिल रहे थे यार, मैं बोलता हूँ यार भाई साहब बहुत ओपी है। तो मैं सब ब्लॉक्स लेता हूँ क्योंकि मुझे बनाना था एक कैसल वगैरह जो भी है। तो मुझे पहला मिलता है डायमंड नाइन भाई साहब, गाइस मैं यहाँ पर हो चुका था पागल तुम समझ रहे हो। तो यहाँ पर यार वो डायमंड में उठा लेता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर देखो एडवांसमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इससे पहले मेरे को चार डायमंड मिल चुका था, उस टाइम मैंने रिकॉर्ड ऑन करना भूल गया था ठीक है। तो वो बात छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, वो गजब बेइज्जती है। तो यार मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फिर से यार इसको तोड़ता हूँ, सामने देखता हूँ लाभा है डायमंड माइन के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ 15 दिन तक यार माइन करता हूँ एंड फिर मुझे बहुत ज़्यादा डायमंड मिलता है, तुम देखते जाओ कितने डायमंड मिलते हैं सीरियसली। और फिर से गाइस मुझे डायमंड मिलता है और देखो यार इसके बाद डायमंड मिलते जाता है और फिर मैं वो केव के अंदर ही मैं एक पिकैक्स बनाता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कुछ ऑप्सीडियन लूँ, ऑप्सीडियन तोड़ता हूँ, देखता हूँ भाई ऑप्सीडियन के नीचे डायमंड, मतलब नीचे डायमंड ऊपर डायमंड सारी सब जगह पे डायमंड भाई सब, मैं खुश एक इतना खुश था कि गाइस मैं तुम सबको बता ही नहीं सकता। उसके बाद मैं बाहर आता हूँ देखता हूँ आसमान यार इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि क्या बता, ऐसा लग रहा था हीरो ब्रैंड आने वाला है। हाँ ठीक है हीरो ब्रांड का जो कुछ ज़्यादा ही चालू है। तो यार मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता क्योंकि मैंने जो गड्ढा खोदा मैं सोचता हूँ मैं ही मरूंगा। तो यार डे 30 अपना हो चुका था क्योंकि माइनिंग बहुत किया था, मुझे कुछ 40 डायमंड मिला था तुम सोच सकते हो भाई, 40 डायमंड नॉट अ इजी जोक भाई। तो इसके बाद यार मैं अपना कैसल बनाता हूँ या मैं कैसल बनाता हूँ जो कि एकदम ही यूनिक था, जो कि आई मीन ये कैसल तो मैं एक वीडियो देख के बनाया लेकिन वो बंदे ने स्टोन ब्रिक्स के ब्रिक्स से किया था। और मैंने ये जो मतलब मैंने मेरा प्लान था कि मैं इसमें जो घर बनाऊंगा वो 1.17 में जितने ब्लॉक्स होंगे ना उसको यूज़ करके बनाऊंगा, उससे पहले का नहीं। तो ये जो बेस्टल्ड करके जो था एकदम ही ब्लैक, तो मैं मुझे ना इसको एकदम ही वो वाला फील देना था, वो जो ब्लैक बेस्टल्ड बोल के नेदर में जो फोर्ट्रेस होता है ना उस टाइप का एकदम फुल्ली ब्लैक। तो मैं इसको यार बनाता हूँ, मैं फुल्ली कैसल का वीडियो यहाँ पर नहीं डालता कि कैसे बनाना है वगैरह मामला पानी,
तो अब मैं ऐसे डाक क्योंकि यार तुमसे बोर हो जाता स्किप करते और यूट्यूब का एल्गोरिथम भाई साहब मेरे को पीछे एकदम धकेल देता है और तुम सब वैसे लाइक भी नहीं करते। एंड डे 49 मतलब मुझे लगभग समझ सकते हो स्क्रीन पर देख ही रहे हो कितना दिन लग जाता है उसके बाद देखो और मेरा कैसल बन के फुल रेडी हो चुका था। एंड गाइज यहाँ पर मैं साइड से थोड़ा सा बाउंड्री बनाता हूँ। एंड गाइज अपना कैसल बहुत ओपी बना है तुमको मैं दिखाऊंगा। एंड एक चीज़ अभी मैं करने वाला हूँ जो कि यार बहुत ज़्यादा एपिक है तो यहाँ पर मैं आता हूँ। एंड ये वाला ब्लॉक गलत लगा तो जो भी है तो यहाँ पर देखो मैं ये सब लगा देता हूँ। मेरे पास अभी ट्रैपडोर नहीं था इसके ऊपर ट्रैपडोर लगा दूंगा तो बहुत एपिक लगेगा। तो ये होने के बाद गाइज अभी देखो घर तो है मतलब घर नहीं एक्चुअली कैसल तो लग रहा है छोटा लेकिन छोटा नहीं है बच्चे तुमको लग रहा है भाई 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 सॉरी मैंने गलत लगा दिया ये चीज़। तो ये गाइज छोटा नहीं लग रहा तो यहाँ पर मैं डोर को भी सही से लगाता हूँ। अभी तुम देखते जाओ कि कैसे बड़ा लगेगा मतलब ये सिर्फ बेडरूम के लिए ठीक है और तुम कैसे लग रहा है। और ये ब्लैक में मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आ रहा है भाई ठीक है क्योंकि मेरा फट रहा था यार हार्डकोर में हीरो ब्रांड के वॉल से ज़्यादा डर तो मेरे को यहाँ पर लग रहा था मर गया तो काम खत्म। तो यहाँ पर मैं चेस्ट वगैरह जितना भी था उनको मैं अपने बैल्कनी में बाहर रखता हूँ और मेरा जो घर होता है वहाँ पर सिर्फ बेडरूम। एंड गाइस वो जो टिंग टोंग वाला यार डीजे वाला जो अपना ब्लॉक था वो डीजे ब्लॉक मैं इधर लगा देता हूँ ताकि मैं जब भी चलूँ डीजे भाई साहब एकदम चलता रहे और फुल मुझे एकदम नेक्स्ट लेवल वाली मजा आए। तो यहाँ पर ये देखो गाइस ये वाली ब्लॉक लगा देता हूँ जो कि यार बहुत ज़्यादा अलग ही यार लुक दे देता है मेरे कैसल को। एंड फिर यहाँ पर बाकी भी यार मैं यहाँ पर जो होता है डीजे ब्लॉक वो मैं लगा देता हूँ डीजे ब्लॉक क्या बोल रहा हूँ और मेरा डीजे ब्लॉक कुछ खत्म हो जाता है तो फिर से मैं जहाँ पर स्पाइडर ने मुझे मारा था वहाँ पर हिम्मत करके जाता हूँ। एंड फिर से यार वहाँ से मैं उठाता हूँ कुछ डीजे ब्लॉक एंड फिर उस डीजे ब्लॉक को लेके आता हूँ यहाँ पर फुल्ली एकदम कंप्लीट कर देता हूँ जो कि देख रहे हो ब्लैक के अंदर ये जो पर्पल टाइप का जो भी यार कलर दे रहा है ना एकदम सेक्सी सा लग रहा है एकदम चुम्मी लग रहा है यार। तो इसके बाद ऊपर देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक फर्नेंस ऐसा लगाया था कि मैं ऊपर चढ़ ही नहीं सकता तो इसलिए मैंने कहा कि इस फर्नेंस को तोड़ा और इसको यार यहाँ पर लगा दिया ठीक है। तो इसको यार पर लगाने के बाद अभी मैंने दूरबीन बनाया था वो वीडियो पर नहीं दिखाया पता है कैसे बनता है वो जो क्रिस्टल होता है वो कॉपर से बनता है। ये देखो गाइस यहाँ से मैं ऐसे ऊपर आके एकदम सेक्सी सा जूम तो कर ही सकता हूँ। तो यार यहाँ पर आके चलो यार सो जाता है। एंड डे 50 था डे 50 लास्ट डे पे मुझे कुछ फार्मिंग करना था तो मैं सोचता हूँ यार फिर से चलो जाते हैं वो जो विलेजर था विलेजर्स उनको लूट देख ठीक है। तो यार मैं यहाँ पर आधा उनका डर्ड भी उठा लेता हूँ उनका सीड्स भी उठा लेता हूँ सब उठा लेता हूँ मेरे यहाँ पर आके यार प्लांट करना स्टार्ट कर देता हूँ। उनके वहाँ से पानी भी मैं चुरा के यार लेके आता हूँ चुरा के नहीं ऐसे ही तो वो यार लेके आता हूँ फटाफट। यहाँ पर देखो अनलिमिटेड सोर्स बना के मैं यहाँ पर डालता हूँ एंड इसको होई से इसको कट करता हूँ यहाँ पर सीड्स वगैरह यार लगाता हूँ एकदम यहाँ सेक्सी से अपना फार्म भी गाइस रेडी हो चुका था। एंड भाई मैं बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया पहली बार हार्डकोर खेला बहुत अच्छे से। और हम एक चीज़ दिखाना भूल गया मैंने मेरा डायमंड का आर्मर भी यार फुल्ली बना लिया था जो कि यार तुम देख सकते हो फुल्ली डायमंड आर्मर एकदम सेक्सी सा बंदा बन चुका था। और फिर यहाँ पर आता हूँ मैं सैंड से गाइस यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये था गाइस आज का वीडियो पसंद आया यार एक लाइक कर देना क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सीरियसली बता रहा हूँ। इसको एडिट करना एंड ऑल भाई रिकॉर्डिंग करना वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब यार कर देना तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो चलो मैं फिर बताऊँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ टेंशन मत करो इसका बाकी जो 50 डे है ना वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कर डालेंगे।